टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हिस्टोलॉजी ऑफ सेरिब्रम। तो सेरिब्रम की हिस्टोलॉजी के ऊपर फ्लो चार्ट बनाते हैं। जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम बेसिकली दो हेमिस्फीयर के ऊपर कॉन्सिस्ट होता है, उनको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरिब्रम कॉन्सिस्ट होगा टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर। और हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक इसकी आउटर कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इसका एक सब कॉर्टिकल वाइट मैटर होता है। तो इसकी आउटर कवरिंग होगी ग्रे मैटर की, उसको बोलेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इनर वाइट मैटर होगा। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर की लेयर होती है, लेयर ऑफ ग्रे मैटर, जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर के एक्सटर्नल आस्पेक्ट को कवर करती है, कवरिंग एक्सटर्नल आस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसको हम पेलियम भी बोलते हैं। दूसरा है वाइट मैटर, जो कि सब कॉर्टिकल होगा और ये सेंटर में होगा। तो ये सेंट्रल जोन होगा, इसमें फाइबर बंडल्स होंगे जो कमीशन बनाएंगे, प्रोजेक्शन फाइबर बनाएंगे, एसोसिएशन फाइबर बनाएंगे। तो सेंट्रल जोन में हमें फाइबर बंडल देखने को मिलते हैं, और वो फाइबर बंडल क्या क्या बनाएगा, एसोसिएशन फाइबर, प्रोजेक्शन फाइबर और कमीशन फाइबर। कमीशन ऐसे फाइबर होंगे जो कि कॉरिस्पॉन्डिंग एरिया को जोड़ेंगे, प्रोजेक्शन फाइबर ऐसे होंगे जो किसी और एरियाज की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, एसोसिएशन फाइबर जो कि एक हेमिस्फीयर के अंदर डिफरेंट रीजन्स को आपस में जोड़ेंगे। इसके साथ साथ वाइट मैटर में हमें ग्रे मैटर के मैसेज भी देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं डीपर न्यूक्लियाई। और उन ग्रे मैटर के मैसेज को हम कह सकते हैं बेसल गैंग्लिया या फिर बेसल न्यूक्लियाई। इसके बाद हम देख लेते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के टाइप, कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स कितने टाइप का हो सकता है हिस्टोलॉजिकली देखा जाए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स टाइप्स। तो पहली एक टाइप होगी, उसको बोलेंगे नियो कॉर्टेक्स। या फिर इसको हम आइसो कॉर्टेक्स, क्योंकि ये सिमिलर हमें देखने को मिलता है डिफरेंट साइड के ऊपर। या फिर इसको नियो पेलियम, पेलियम ग्रे मैटर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, न्यू का मतलब न्यू। दूसरा होगा पुराना वाला कॉर्टेक्स, को बोलेंगे एलो कॉर्टेक्स। ओके, तो एलो कॉर्टेक्स और न्यू कॉर्टेक्स, पुराना कॉर्टेक्स और नया कॉर्टेक्स, इनमें क्या क्या फ़र्क होते हैं इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। जो न्यू कॉर्टेक्स होता है ये रिलेटिवली ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, लिख लेते हैं रिलेटिवली ऑक्यूपाई मेजर एरिया, तकरीबन 90% होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, वो इसी कॉर्टेक्स के ऊपर मुश्तमिल होता है नियो कॉर्टेक्स। दूसरा होगा कि जो एलो कॉर्टेक्स होता है ये 10% होता है ओवरऑल कॉर्टेक्स का, तो रिलेटिवली माइनर एरिया होगा और ये 10% होगा ओवरऑल कॉर्टेक्स का। जो नियो कॉर्टेक्स या आइसो कॉर्टेक्स या फिर नियो पेलियम, इसको हम फाइलोजेनेटिकली नियो कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, फाइलोजेनेटिकली स्पेलिंग खराब होगी इसके, एक तो फाइलोजेनेटिकली इसको हम न्यूअर कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, न्यूअर कॉर्टेक्स, और इसको फाइलोजेनेटिकली ओल्डर कॉर्टेक्स, इसको यहाँ पे कर लेते हैं ओल्डर कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स के अंदर हमें मेजर एरिया जो कॉर्टिकल एरिया हम पढ़ते होते हैं, जैसे ऑडिटरी एरिया या सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, वो इसमें आते होते हैं। तो मेजर कॉर्टिकल एरिया जो होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो एलो कॉर्टेक्स के अंदर मजीद दो कॉर्टेक्स आ जाते हैं। पहला जो कॉर्टेक्स है उसको बोलते हैं हम ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, जिसका काम ओल्फैक्शन से रिलेटेड होता है, ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। और दूसरा ऐसा कॉर्टेक्स जो हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन को कवर करता है, तो कॉर्टेक्स कवरिंग हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन। हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स आ जाती है, हिप्पोकैम्पस, डेंटेट जाइरस और पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस। तो कॉर्टेक्स कवरिंग हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन, कॉर्टेक्स कवरिंग हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन। तो
तो यहाँ पे मज़ीद दो कॉर्टेक्स आ गए हैं एलो कॉर्टेक्स के अंदर। नंबर फोर डिफरेंस जो हिस्टोलॉजी के अतबार से होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है न्यू कॉर्टेक्स का वो रिलेटिवली सिंपल हो कॉम्प्लेक्स होता है। न्यू कॉर्टेक्स का रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर होता है हिस्टोलॉजिकली देखें, और इसका स्ट्रक्चर रिलेटिवली सिंपलर होता है। इसमें लेयर्स कितनी होती है, इसमें हमें 6 लेयर्स देखने को मिलती है जबकि उसमें सिर्फ 3 लेयर्स देखने को मिलती है, यही हमारा मेन डिफरेंस होता है। इसके अंदर 6 लेयर्स एलो कॉर्टेक्स के अंदर 3 लेयर्स। अब उन लेयर्स के क्या नाम होते हैं, आउटर टू इनर चलते हैं तो फिर हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं वो देख लेते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम है मॉलिक्यूलर लेयर, इसके बाद आता है एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर, फिर इसके बाद लेयर आती है एक्सटर्नल पिरामिडल, इसके बाद इंटरनल ग्रैनुलर, इंटरनल पिरामिडल, लास्ट बट नॉट लीस्ट मल्टीफॉर्म लेयर। ये मल्टीफॉर्म लेयर आ गया। इसके बाद जो हमें यहाँ पे 3 लेयर्स थी इनके नाम क्या हो गए, मॉलिक्यूलर लेयर, बस यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल को हम हटा देते हैं, मॉलिक्यूलर, पिरामिडल लेयर। पिरामिडल लेयर होती है बेसिकली किस किस में होती है, हिप्पोकैम्पस में, और इसकी जगह ग्रैनुलर लेयर होती है डेंटेट जायरस में। लास्ट है मल्टीफॉर्म लेयर। तो ये हो गया बेसिकली 2 टाइप का सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके बाद हम देख लेते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में किस किस टाइप के सेल्स होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डाल देते हैं सेल्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेल्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं उसको हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इनकी शेप कैसी है। मेजर जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं पिरामिडल सेल्स, इनकी शेप पिरामिड लाइक होती है, और ऐसे सेल जो पिरामिड शेप के नहीं होंगे इनको बोलेंगे नॉन पिरामिडल सेल्स। अगर पिरामिड सेल्स को डिपेंडिंग अपॉन इनका साइज कैसा है तो उसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो पहली कैटेगरी, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल साइज पिरामिडल सेल्स, मीडियम साइज, लार्ज साइज। उस लार्ज साइज में भी कुछ स्पेशलाइज्ड जाइंट पिरामिडल सेल्स होते हैं, जाइंट पिरामिडल सेल्स, उन जाइंट पिरामिडल सेल्स को हम बोलते हैं बैट सेल्स, BETZ, बैट सेल्स। और ये तकरीबन कह सकते हैं कि 30% ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स का कंट्रीब्यूशन यही सेल्स करते होते हैं। अब है नॉन पिरामिडल सेल्स। नॉन पिरामिडल सेल्स को मजीद हम 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन इनकी शेप कैसी है। इनकी शेप अगर हॉरिजेंटल होती है तो हॉरिजेंटल, अगर फ्यूजी फॉर्म होती है तो फ्यूजी फॉर्म, स्टार शेप होती है तो स्टीरेट कह सकते होते हैं। तो 4 कैटेगरी के हम उसके अंदर डिवाइड करते होते हैं पिरामिडल सेल, नॉन पिरामिडल सेल को, ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल सेल जिनको हम स्टीलेट सेल भी बोलते हैं, ग्रैन्यूल सेल या स्टीलेट सेल। दूसरा आता है हॉरिजेंटल सेल्स, हॉरिजेंटली होते हैं। इसके बाद आता है मार्टिनोटी सेल्स, मार्टिनोटी सेल्स, और इसके बाद लास्ट में आता है फ्यूजी फॉर्म जिनकी शेप हमें स्पिंडल होती है, स्पिंडल नुमा स्ट्रक्चर होता है फ्यूजी फॉर्म। तो अब हम 1 बाय 1 इन सेल्स को पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। तो फिर अगली वीडियो को फॉलो ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।